नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर वर्ष 2023 में प्रथम चरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर तुषारकांत विद्यार्थी द्वारा साइबर सेल के द्वारा तलाशे गए 333 गुम मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹50 लाख है, मोबाइल धारक जिनमें कई छात्र छात्राएं एवं किसान और व्यापारी थे को वापस किए गए। इसके अतिरिक्त साइबर फ्रॉड संबंधी प्राप्त विभिन्न शिकायतों में वर्ष 2023 में अब तक लगभग ₹16,18,509 आवेदकों को वापस कराए गए हैं। इसके साथ ही साइबर सेल टीम जबलपुर द्वारा लगातार साइबर जागरूकता संबंधी आयोजन किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में अब तक लगभग 8 संस्थानों, जिनमें स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थान सम्मिलित हैं, में जाकर साइबर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर तुषारकांत विद्यार्थी ने आम नागरिकों से अपील की है कि गुमे हुए मोबाइल की शिकायत संबंधी थाने में करते हुए उस शिकायत की छायाप्रति एवं मोबाइल बिल की छायाप्रति को साइबर सेल जबलपुर के हेल्पलाइन नंबर 7587616100 पर भेजे, ताकि गुम हुए मोबाइल का शीघ्रता से पता करवाए जाकर संबंधी मोबाइल धारक को वापस किया जा सके। अभियान हर्ष के तहत हमारे जो मोबाइल धारक हैं, जिनसे मोबाइल खो गए थे, उन्होंने हमारी क्राइम और साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज कराई थी और हमारी टीमों ने लगातार उसमें ढूंढने का प्रयास किया और रिकवर करके आज हमने वो सारे मोबाइल इन मोबाइल धारकों को लौटाए। सर कितना होगा लगभग मोबाइल? लगभग 333 मोबाइल, लगभग आधा करोड़ कीमत के मोबाइल फोन आज यहाँ पर जो इनके ऑनर थे उनको लौटाएगा। सर बड़ी दिक्कतें आती होंगी, ये मोबाइल जब घूम जाता है तो ट्रेस करने में फिर कैसे? देखिए, उसके लिए हमारी साइबर सेल है, हमारी क्राइम की टीम है, लगातार काम करती है, सर्च करती है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि मोबाइल, चूंकि जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसान हो, व्यापारी, जब खो जाता है महंगी चीज होती है तो उसके भीतर कहीं ना कहीं एक दुख का भाव आता है, और जब हम मोबाइल सर्च करके उसको लौटाते हैं तो उसको खुशी होती है, हर्ष होता है, तो इसीलिए हमारा ये अभियान निरंतर जारी भी रहेगा। सर ये कभी कितना पुराना तक मोबाइल इसमें पाया गया? जिस तरह कुछ 6 महीने पुराने, कुछ 2 महीने पुराने, कुछ 4 महीने पुराने, अलग अलग ड्यूरेशन के हैं जो रिकवर करके आज लौटाए गए। सर 2-3 साल वाले पुराने मोबाइल ही पाए गए तो किस तरह इसमें परेशानियां आई, क्या था? देखिए, जब तक मोबाइल फोन ऑपरेशन में नहीं आता है या फिर नियर बाई नहीं होता है, पास पास नहीं होता, तो लोकेट करने में थोड़ी परेशानी होती है। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.